हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल विद नर्सिंग ऑफिसर। एंड हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं इसोफेजियल वेरिसिस। ठीक है, सो इससे पहले हमने करा है इसोफेजाइटिस एंड इसोफेजियल स्ट्रिक्चर। ठीक है, नेक्स्ट है इसोफेजियल आपका वेरिसिस। इसोफेजियल वेरिसिस क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि ये एबनॉर्मल एनलार्जमेंट हो जाती है आपके लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस में एंड वो वेन्स की, जो वेन्स होती हैं इसोफेगस की उनमें एनलार्जमेंट हो जाना। एंड इट अकर मोस्ट ऑफन इन पीपल विद लीवर डिजीज़। इट फाउंड वैन नॉर्मल ब्लड इन लीवर स्लोड। जो आपका ब्लड फ्लो होता है लीवर में वो स्लो डाउन हो जाए, उसकी वजह से ये डिजीज कंडीशन होती है। एंड इसमें क्या हो जाता है, जो वेन्स है वो एनलार्ज हो जाती हैं, बल्ज हो जाता है, बल्जिंग फॉर्मेशन हो जाती है वेन्स के अंदर, मोटी मोटी उभरी हुई सी वेन दिखाई देती हैं। एंड द ब्लड बैक्स अप इन टू नियर बाई स्मॉलर ब्लड वेसल्स सच एज दोज इन इसोफेगस, कॉजिंग द वेसल्स टू स्वेल, सम टाइम इट रप्चर ऑल्सो। ठीक है, सो जो ब्लड है वो बैक हो जाता है, ब्लड जो फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है, एंड पीछे से फिर ब्लड आगे की तरफ फ्लो ना ही होने की वजह से बैक फ्लो होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स है उनमें क्या हो जाता है कि स्वेलोविंग हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, मैं आपको शो करती हूँ, ये पोर्शन आप देखो। ठीक है, ये पोर्शन आप देखो, तो ये जो आपके वेन्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, जो अंदर वेन्स होती है उनमें स्वेलिंग हो जाना, दैट इज़ आपका वेरिसिस। ठीक है, अगर आपने कभी ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट देखा होगा जिसको कि एब्डोमिनल एरिया में ट्यूबरक्लोसिस हो एंड उसका जो स्टमक होता है ना, अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो उस पर जो वेन्स होती हैं बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाई देती है कि बस अभी फट के बाहर ही आ जाएंगी, बिल्कुल ग्रीन एंड बहुत मोटी मोटी सी दिखाई जाती है। चलिए, अगर आपने ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट नहीं देखा है तो अगर आपने थ्रोम्बस वाला मेरा लेक्चर पढ़ा होगा, थ्रोम्बस फॉर्मेशन का, ठीक है, तो आपने उसमें डायग्राम देखा होगा कि वेरिकोस वेन्स वाला लेक्चर अगर आपने देखा है। अगर आपने वेरिकोस वेन का लेक्चर नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको आई बटन आ रहा होगा, यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, आप वेरिकोस वेन वाला एक बार जाकर के लेक्चर देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि वेन जो है उभरी हुई कैसी दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो अगर कोई पेशेंट है जिसको लीवर की डिजीज़ है, लाइक उसको लीवर फेलियर है या कोई भी डिजीज़ कंडीशन है जो इसकी वजह से लीवर में जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा कि वेरिसिस हो सकता है। पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस है उसको, पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन है, एक्यूट हेपेटाइटिस है, एंड अगर उसको ट्यूमर है तो उसको क्या होगा कि इसोफेजियल वेरिसिस होने के चांसेस जो है उसके जो है बढ़ जाते हैं। ठीक है, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से ये चांसेस जो है ब्लीडिंग होने लग जाए, जो वेन है वो रप्चर हो सकती है एंड ब्लीड हो सकता है। सो डिकम्पेंसेशन ऑफ लीवर डिजीज़। ठीक है, माल नरिशमेंट, अगर पेशेंट जो है माल नरिश्ड है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसके अंदर, तो उस कंडीशन में जो है चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं ब्लीडिंग के। ठीक है, अगर कोई पेशेंट है वो ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहा है जितना कि उसको नहीं करना चाहिए, तो उस टाइम पे वेन कैन बी रप्चर एंड ब्लीडिंग कैन बी देयर। एंड NSAIDs ड्रग्स अगर वो यूज़ करता है, नेक्स्ट अगर उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए एंड सर्कैडियन रिदम। ठीक है, सो दैट आर द फैक्टर्स दैट इंक्रीज द वेरिसल ब्लीडिंग, रिस्क ऑफ वेरिसल ब्लीडिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आप ध्यान से पढ़ें कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है इसमें, कि पेशेंट को क्या होगा। बहुत ईजी ईजी सी बातें हैं, बहुत नॉर्मल सी बातें हैं कि ही विल हैव एबडोमिनल पेन, विल हैव हेमेटिमेसिस, सॉरी डिसफेजिया। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपसे इसोफेजाइटिस वाले लेक्चर में इस डिसफेजिया का मीनिंग पूछा है, तो आपको कमेंट करके मुझे बताना है डिसफेजिया का मीनिंग क्या है कमेंट बॉक्स में। ओडिनोफेजिया, ओडिनोफेजिया का मतलब होता है पेनफुल स्वेलोविंग। ठीक है, स्वेलो करने में, खाना निकलने में दिक्कत होना, दर्द होना, कन्फ्यूजन सेकेंडरी ऑफ एनसेफेलोपैथी, एनीमिया हो सकता है पेशेंट को, शॉक हो सकता है, ब्लड क्लॉट कंटेनिंग वॉमिटिंग हो सकती है, स्टूल में भी ब्लड आ सकता है पेशेंट को। ठीक है, क्योंकि जो वेन्स है वो रप्चर हो सकती हैं। ठीक है, हो सकता है कि रप्चर हो जाए तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। पेशेंट विल लुक पेल, ठीक है, येल्लो कलर जो है उसको दिखने लग जाएगा बिकॉज ऑफ एनीमिया, हाइपोटेंशन हो सकता है, ट्रैकीकार्डिया हो सकता है, ट्रैकीकार्डिया का मतलब होता है इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, नेक्स्ट रिड्यूस यूरिन आउटपुट हो सकता है, मेलेना हो सकता है, मेलेना मीन्स होता है स्टूल में जो है ब्लैक कलर का स्टूल जो होता है, दैट इज़ मेलेना। रिड्यूस गैस्ट्रो गैस ग्लास्कोकोमा स्केल, ठीक है, ग्लास्कोकोमा स्केल जो है उस पर रिड्यूस्ड नंबर आना, इस पर हम नंबरिंग करते हैं पेशेंट की, अगर वो कम आती है दैट इज़ रिड्यूस ग्लास्कोकोमा स्केल।
नेक्स्ट हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू एनी इटियोलॉजी, ठीक है, जो भी कॉजेज पड़े उसकी वजह से क्या होगा, मान लीजिए कि जो आपका ब्लड फ्लो है लीवर की तरफ वो डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है, रिड्यूज़ हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड बैक हो जाएगा ईसोफेगस में, ठीक है। ब्लड लीवर आपका आगे होता है ना, ईसोफेगस होता है, फिर आपका लीवर होता है, स्टमक होता है ना, तो वहाँ पर लीवर में ब्लड ना जाके बैक फ्लो स्टमक ईसोफेगस की तरफ ही हो रहा है, जिसकी वजह से जो है आपकी जो वेन्स हैं बहुत ही मोटी मोटी हो जा रही हैं, फूल जा रही हैं, फॉर्म वेरिसिस हो गया, ठीक है। नाउ वेन स्ट्रिच हो जाएंगी एंड फ्रेजाइल हो जाएंगी, अगर वेन रप्चर हो गई तो वो ब्लीडिंग कॉज कर सकती है, ठीक है। सो ये बहुत ही ईजी सा एक पैथोफिजियोलॉजी बनाने की कोशिश करी है मैंने, आई होप कि आपको समझ आएगा। देखिए किसी भी इटियोलॉजी की वजह से, किसी भी कॉज की वजह से क्या हो रहा है, बैक फ्लो हो रहा है वेन का, बैक फ्लो इन ईसोफेगस, ठीक है, लीवर की तरफ ना जाके ईसोफेगस में ही उसका बैक फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से वेरिसिस का फॉर्मेशन हो रहा है, मींस वेन का एनलार्जमेंट हो रहा है, वेरिसिस का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी, फ्रेजाइल हो जाएंगी वेन्स, फ्रेजाइल के साथ साथ वेन्स जो है वो स्ट्रेच भी हो जाएंगी, स्ट्रेच होने के साथ साथ अगर इस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ा तो इट मे बी रप्चर, और अगर वेन्स रप्चर हो गई तो इट कैन कॉज ब्लीडिंग, सो ब्लीडिंग कॉज हो सकती है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन, सो हम पेशेंट का करते हैं CBC करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, नेक्स्ट हम पेशेंट का करते हैं रीनल फंक्शन टेस्ट, LFT कर लेते हैं यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट, एंड हम करते हैं CT स्कैन, ठीक है। नेक्स्ट मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में हम उसको एंडोस्कोपिक लेड लाइजेशन, ठीक है, बैलून टैम्पोनेट, स्क्लेरोथेरेपी, ड्रग थेरेपी एंड लीवर ट्रांसप्लांट एंड ईसोफेजियल ट्रांजेक्शन जो है हम पेशेंट का करते हैं, ठीक है। जो आप ये देख रहे हैं डायग्राम, दैट इज़ बलून वाला, जो हमारे ये वाला पार्ट पढ़ा है ना बलून टैम्पोनेट, इसमें बलून को इंसर्ट करके फिर वहाँ पर ट्रीट जो डॉक्टर है प्रोसीजर आगे करता है, एक तरीके का बलून टाइप अंदर जाके फुलाना, फिर उसके बाद आई का प्रोसीजर जो है डॉक्टर्स का है वो लोग करते हैं। इसके लिए बहुत ही एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, बहुत थोड़ा सा बड़ा प्रोसीजर है, सो मैं इसको यहाँ पर डिटेल में नहीं बता सकती अभी। सो अभी के लिए आप ये समझ रहे कि मैनेजमेंट में हम उसको बलून टैम्पोनेट करते हैं एंड एंडोस्कोपिक लेडलाइजेशन करते हैं, स्क्लेरोथेरेपी करते हैं एंड हम उसको ड्रग थेरेपी देते हैं पेशेंट को। सो ड्रग थेरेपी के अंदर हम उसको प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए वैसोप्रेसिन या नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग का यूज़ करते हैं, ठीक है, वैसोप्रेसिन या फिर नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग का हम यूज़ करते हैं पेशेंट को जो प्रेशर है उसको रिड्यूस करने के लिए। एंड स्क्लेरोथेरेपी में हम क्या करते हैं कि ड्रग इंटेंडेड टू स्लो ब्लीडिंग आर इंजेक्टेड इनटू द ब्लीडिंग वेन्स एंड समटाइम इनटू द सराउंडिंग एरिया, द ड्रग कॉज क्लोट्स फॉर्म अ हार्डन द वेन टू स्टॉप ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग है उसको स्टॉप करने के लिए हम उसको इंजेक्शन के थ्रू ब्लड देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ईसोफेजियल ट्रांजेक्शन, ईसोफेजियल ट्रांजेक्शन में हम क्या करते हैं, ईसोफेजियल ट्रांजेक्शन में हम पेशेंट को करते हैं कि देखिए दिस प्रोसीजर इज रिजर्व फॉर दोज पेशेंट हु फेल टू रिस्पॉन्ड टू आइदर ड्रग और एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट एंड आर नॉट कंसिडर्ड गुड कैंडिडेट फॉर द शंटिंग प्रोसीजर, जो भी पेशेंट है अगर वो नॉर्मल जो प्रोसीजर हो रहा है एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट हो रहा है वो उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, उसका ट्रीटमेंट से उसको ठीक नहीं हो रहा है, देन हम उस पर एट लास्ट ईसोफेजियल ट्रांजेक्शन का यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम उसको फिर आगे ठीक है, एंड एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट आर नॉट कंसिडर्ड गुड कैंडिडेट फॉर द शंटिंग प्रोसीजर, ठीक है। सो नेक्स्ट हम एट लास्ट हम उसका करते हैं लीवर ट्रांसप्लांट, ठीक है, एट लास्ट में उसको लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं पेशेंट को, अगर उसमें ब्लड फ्लो नहीं हुआ तो लीवर डैमेज हो गया, सो हम उसको लीवर का ट्रांसप्लांट करते हैं। नेक्स्ट प्रिवेंशन की बात करें तो हम उसका स्टॉप करेंगे अल्कोहल, हेल्दी डाइट प्रोवाइड करेंगे एंड पेशेंट को बोलेंगे कि वो अपना मेंटेन करे वेट, ठीक है, ज़्यादा ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए एंड उसका रिड्यूस होना चाहिए रिस्क ऑफ हेपेटाइटिस, बिकॉज लीवर की कंडीशन है, लीवर को ब्लड फ्लो कम मिल रहा है, लीवर को इन्फेक्शन हो रहा है तो हेपेटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो उसको हेपेटाइटिस से बचाने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो आपको उसको एडवाइस करना है, हाइजीन मेंटेनिंग के लिए पेशेंट को बोलना है जो कि बहुत ज़रूरी है बिकॉज हेपेटाइटिस हो सकता है उससे, ठीक है, अगर वो हाइजीन से नहीं रहेगा तो। उसके साथ साथ आपको एसेप्सिस की टेक्निक्स भी यूज़ करनी है, अगर हॉस्पिटल में पेशेंट है तो यू हैव टू यूज़ दी एसेप्सिस टेक्निक्स, मीन्स जो है आपको स्टरलाइजेशन से ही उसको सब कुछ करना है, लाइक इंजेक्शन वगैरह देने हैं तो सारे जो आपके हैंड वॉशिंग के प्रोसीजर्स हैं वो उसको कंप्लीट करके देना है ताकि पेशेंट को हम इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सके। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट द
इसोफेजियल वेरिसिस, जिसमें कि क्या होता है, वेन का एनलार्जमेंट हो जाता है ड्यू टू लेस फ्लो ऑफ द ब्लड इन द लीवर, ठीक है। एंड पैथोफिजियोलॉजी में आपको एक बार बता दूँ, देखिए किसी भी रीज़न की वजह से, मान लीजिए किसी भी रीज़न की वजह से जो है ब्लड फ्लो लीवर की तरफ जो है डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूज़ हो रहा है, तो उसकी वजह से ब्लड जो है आगे नहीं जा रहा, तो बैक फ्लो होगा इसोफेगस में। सो इसोफेगस में बैक फ्लो हो रहा है ब्लड का, जब बैक फ्लो होगा तो जो आपकी वेन्स है वो तो मोटी हो जाएंगी, तो वेन्स अब आपकी वेरिसिस, वेरिसिस का मतलब एनलार्जमेंट ऑफ वेन्स, तो एनलार्जमेंट ऑफ वेन्स हो गया। अब क्योंकि एनलार्जमेंट ऑफ वेन्स हो गया है तो बार बार बैक फ्लो हो रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है ना वेन के अंदर, तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो वेन स्ट्रेच हो जाएंगी एंड फ्रेजाइल हो जाएंगी टू रप्चर, ठीक है। अब वो वेन स्ट्रेच है एंड देट आर फ्रेजाइल ऑल्सो, सो अगर वो फ्रेजाइल है तो अगर वेन रप्चर हो गई तो ब्लीडिंग कॉज हो सकती है, एंड अगर ब्लीडिंग कॉज होगी तो पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है, स्टूल में ब्लीडिंग आ सकती है एंड कॉम्प्लिकेशंस आगे ये हो सकती है। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट इसोफेजियल वेरिसिस। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा, अगर आपको नहीं आया तो आप कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर अपडेट्स यू कैन प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट ऑल्सो टू योर फ्रेंड्स एंड या यू कैन फॉलो द चैनल टू इंस्टाग्राम, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग।